देखिए इस पे रास्ट आ चुका है जगह जगह से, इसको ठीक करने का कोशिश करेंगे। सबसे बेहतर होता है तो ये जगह काट के नया प्लेट देके वेल्डिंग करना, लेकिन हम उतना कुछ नहीं करेंगे, इसको घिस के ठीक करने का कोशिश करेंगे। देखते कितना क्या होता है, अगर नहीं होगा तो काट के वेल्डिंग करने का ऑप्शन तो है ही है। तो मैं पहले ऐसे करके एक एरिया बना लिया, क्योंकि मेरा जो प्लान है इसको घिसने के बाद अगर कुछ ज़्यादा खड्डा है तो ये फिलर से भरेंगे, उसके बाद इसको पहले एक को प्राइमर करेंगे और दो को पेंट भी करेंगे। 80 नंबर का एक पेपर ले लिया, इसको पूरा घिस के उठाएंगे, मेनली इतना ही जगह को उठाएंगे, मेनली इतना ही जगह को घिस के उठाएंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। पहले भी एक बार हुआ था, हम लोग इसको एमसील से भरे थे, नहीं तो इतना एरिया मेटल था ही नहीं। तो ये सब देखने से मालूम चल रहा है ठीक नहीं है, इसको अभी क्या करेंगे, उसकी से फिल करेंगे, उसके बाद पेंटिंग का काम करेंगे। पूरा हार्ड हो चुका है, अभी मैं 120 नंबर पेपर लिया, अब 200 भी ले सकते हैं, 300 लेने से और अच्छा है, लेकिन मेरे पास फिलहाल यही अवेलेबल है। Thank you.
ये जो दाग आ रहा है ना, ये अगर आप लोग 300 वाला पेपर लीजिएगा तो दाग नहीं आएगा, लेकिन मैं प्राइमर करने वाला हूँ इसलिए उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ ये सब दाग को लेके। हो चुका है, पहले तो ये ऐसे टेप लगा के ही प्राइमर बनेंगे, इतना प्राइमर हो जाने के बाद इसको हटा के पेंट करेंगे तो इधर के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए जब प्राइमर करते हैं, हम लोग प्राइमर कर रहे हैं, इसमें प्राइमर के साथ थोड़ा पेट्रोल मिला लिया रेड ऑक्साइड के साथ, इसको प्राइमर कर लेते हैं एक कोट पहले। सूखने के बाद और एक कोट मारेंगे, उसके बाद पेंट करेंगे। एक कोट हो चुका था, अभी दूसरा कोट मार रहे हैं। सेकेंड कोट हो चुका, ये सूखेगा उसके बाद पेंट होगा। जो गाड़ी का कलर होता है एक ग्रेनाइट ग्रे है, तो ये कलर हमको कहाँ से मिलेगा, ऊपर से इतना सा ही काम करना है। तो मैं क्या किया, एशियन पेंट का जो ब्लैक कलर है ये ब्लैक लाया और ये वाला ब्लू लाया, ये भी रेडीमेड दुकान से पूरा मिल जाता है। ये दोनों को मिक्स किया, देखिए मिक्स किया, मिक्स करने के बाद देखिए ये कलर मैच हो रहा है, तो इसको प्रे करने वाले हैं। ये रेड ऑक्साइड सूख चुका है तो अभी इसको हटाएंगे। अगर हम लोग ऐसे ही पेंट करते तो क्या होता, इसी के जैसा एक ब्लैक का स्पॉट पड़ा हुआ रहता, अभी इसको स्प्रेड करना पड़ेगा। इसको थोड़ा पोंछ लेते हैं, पहले ही पोंछ लेना चाहिए था। ये डब्बा इसलिए लाया, पहले डब्बा पे मार के देखेंगे ये कलर मैच हो रहा है कि नहीं। मैच हो रहा है, मैच हो रहा है।
अभी एक कोड हो चुका था, अभी दूसरा कोड मारने वाले हैं। देखिए ये हो चुका है, बढ़िया लग रहा है।